नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और इंडिया न्यूज पर आपको इस वक्त की बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे दें। जम्मू के अखनूर और सुंदरबनी इलाके में फाइटर एयरक्राफ्ट देखे जाने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है, ऐसी खबर मिल रही है कि जम्मू के अखनूर और सुंदरबनी इलाकों में फाइटर एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। इसी पर आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, एलओसी के पास भारतीय सीमा में दिखे हैं ये फाइटर जेट्स। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज की, बेहद एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं तस्वीरों के साथ। सुंदरबन अखनूर इलाका जम्मू का, जहां पर लोग जो है दहशत में है, इलाके में लोगों में दहशत देखी जा रही है फाइटर प्लेन दिखने से, ये खबर मिलने से। इस समय आपको बताएं कि लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, गांव के इलाके के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। इंडिया न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ये किसके फाइटर प्लेन्स हैं, ये सवाल है बड़ा। जानकारी पल पल की आप तक पहुंचाएगा इंडिया न्यूज, लेकिन इस समय की बेहद एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। जम्मू का अखनूर इलाका और सुंदरबनी इलाका है। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए और जानकारी के साथ। अजय, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए, चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं खुद सुंदरबनी उसी एलओसी के एक गांव में हूं और उसी इलाके में जब हम खड़े थे, अचानक वो देखा कि एकदम से जो है फाइटर प्लेन जो है हवा में जो है वो स्क्रैम्बल करता दिखा, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग वहां पे अपनी दुकानों में अपने गाड़ियों में बैठे थे वो तुरंत निकलकर बाहर आए और उन्होंने जो है तुरंत ऊपर आसमान की ओर देखा। वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे क्योंकि एयर स्ट्राइक जो हुई पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से लगातार जो है बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है और अचानक से जब आज इतने दिनों के बाद फिर से फाइटर प्लेन देखे हैं तो लोगों में ये चिंता थी कि आखिरकार ये कहीं फिर से हालात जो है वो कितने फाइटर जेट्स थे अजय जांडियाल? देखिए, एक फाइटर प्लेन जो है इस इलाके में दिखा है और ये इलाका जो है ये ऐसा इलाका है जहां पहले कुछ नहीं हुआ और पहले कभी ऐसा फाइटर प्लेन नहीं दिखे। और ये जो जानकारियां अभी मिल रही हैं, पुंछ की बात की जाए, पुंछ में इसी तरह से फाइटर प्लेन दिखे हैं। पुंछ, राजौरी, नौशहरा और सुंदरबनी सेक्टर का एलओसी का इलाका जो है, इन इलाकों में ये फाइटर प्लेन दिखे हैं और ये थे भारतीय फाइटर प्लेन, मगर ये जो इस तरह से इस एरिया में स्क्रैम्बल कर रहे थे साफ दर्शाता है कि सीमा पार जरूर कुछ हरकत जो है वो देखी गई है। और अगर दो तीन दिनों से पिछले बात करें तो दो तीन दिनों में लगातार जो है अचानक से फायरिंग बढ़ी है पाकिस्तान की तरफ से और गोलाबारी तेज हुई है। इससे पहले बात की जाए तो ये भी जानकारी मिली कि पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के F-16 दिखाई दिए थे कल, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी अपने जो है मिराज फाइटर प्लेन जो है वहां पर उड़ाए थे। और साफ देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है सीमा पार से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें प्लान करता रहता है, कोशिश कर सकता है। उसी के मद्देनजर बिल्कुल तो माना जा सकता है, ऐसी खबरें सामने निकल कर जा रही है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान एक बार फिर से शायद नापाक हरकत करने के लिए तैयारी कर रहा है, इसीलिए इस तरह के अखनूर और सुंदरबनी में फाइटर जेट देखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल इस जानकारी के लिए। और सुंदरबनी इलाके से बड़ी खबर है, जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया है इलाके में, लोग घबराहट में हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू के अखनूर और सुंदरबनी इलाके के ऊपर से इस तरह के फाइटर जेट्स निकले हैं। और अब से कुछ देर पहले हम अपने सहयोगी अजय जांडियाल से बात भी कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि जब ये फाइटर जेट ऊपर से गुजरा इस गांव के तो वो वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने इस तरह की हलचल पहले कभी भी इस इलाके में ऐसी नहीं देखी थी। और आइए अब आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अजय जांडियाल, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। सेक्टर एलओसी के इलाके में एक बार फिर लोगों में उस समय दहशत फैल गई जब लोगों ने एक बार फिर से जेट फाइटर जो है फाइटर प्लेन जो है वो इलाके में उड़ते देखे हैं। आप देखेंगे आसमान पर जो है ये पूरे इलाके में, ये सुंदरबनी के साथ सटा हुआ एलओसी का इलाका, और यहीं पर आप देखेंगे जेट फाइटर जो है वो फाइटर प्लेन जो है वो उड़ रहा है। ये फाइटर प्लेन जो है एलओसी के ठीक पहले जो है वापिस मुड़ा और उसके बाद एक राउंड लेते हुए फिर एलओसी के इलाके की ओर जो है वो घूम रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें इस चीज को लेकर जो है वो चिंता हो गई कि आखिरकार क्या एक बार फिर सीमा पर तनाव जो है वो है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है पिछले कई दिनों से और खासतौर पे एयर स्ट्राइक के बाद से, तो उस वजह से कहीं ना कहीं दहशत जरूर लोगों में जो है वो फैली हुई है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग, आप देखेंगे दुकानों पर जो लोग हैं वो भी
लगातार ऊपर देख रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सा प्लेन है, फाइटर प्लेन। एक बार फिर इस इलाके में दिखा तो उसके पीछे क्या बात है, आपने क्या देखा, ये कब शुरू हुआ, ये पहले कभी ऐसा देखा है? तो मतलब इसके देखने के बाद फिर एक बार लग रहा है कहीं जो हालात पहले हुए थे उसे लग तो रहा है कोई खतरनाक। ये कितना दूर है यहाँ से, बॉर्डर कितना दूर है? 25 किलोमीटर जो नौशहरा वाला है, नौशहरा में इधर है। अच्छा, तो ये इससे पहले कभी नहीं देखा? पहले कभी नहीं देखा, हमारे इतना से पहले गोलाबारी के बाद में। आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि पहले इस तरह की कोई हरकत इन्होंने यहाँ नहीं देखी, मगर आज इन्होंने एक बार फिर देखा है और उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीमा पर क्या हालात फिर चिंताजनक होने वाले हैं। अनुज कुमार के साथ अजय, इंडिया न्यूज, सुंदरबनी सेक्टर, एलओसी।